राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। आरपीएससी पेपर लीक मामले में रविवार को पुलिस ने अब तक 55 युवकों को पकड़ा। पुलिस कार्रवाई में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर आउट मामले में पहले 44 युवकों को पकड़ा था, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक मामले में 55 आरोपियों को रविवार दोपहर को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। इन 55 आरोपियों में 7 महिलाएं भी शामिल है। इन महिलाओं को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इसकी पुष्टि रविवार को जारी प्रेस नोट में उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने की। उदयपुर पुलिस ने इस प्रकरण में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। इसके साथ ही एक मामला बेकरिया थाने में तो दूसरा मामला सुखेर थाने में दर्ज किया। इस मामले में सभी पकड़े गए आरोपियों को रविवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के साथ ही पंजाब हरियाणा दिल्ली में भी शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राजस्थान के साथ ही हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में कोहरे की संभावना जताई। विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। दिल्ली में तो अगले 24 घंटे में कड़ाके की ठंड की आशंका है। श्री डूंगरगढ़ में थाईलैंड के पटाया में आयोजित हुई 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह बीकानेर के अपने दमदार प्रदर्शन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खास बात है कि प्रिया सिंह राजस्थान की पहली बॉडी बिल्डर है जिसमें वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण जीत कर अपना और देश का नाम रोशन किया। जोधपुर में अपनी बहन सुमित्रा की याद में भाई ने जयवीर ने रक्त एकत्रित करने के लिए बहुत बड़ी जंग छेड़ दी। सुमित्रा सेवा संस्थान की ओर से एक बहुत बड़ा रक्तदान शिविर आयोजन हुआ। इस आयोजन में युवाओं ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। युवाओं ने मिलकर इस रक्तदान शिविर में 14,600 यूनिट रक्तदान किया और युवाओं ने एक ही स्थान पर लगभग 14,600 यूनिट रक्तदान किया और रक्तदान मतदान के नारे से पंडाल गूंज उठा। सूरतगढ़ थर्मल के निकटवर्ती उदयपुर श्री सीमेंट के निकट बने उदयपुर सब स्टेशन के आगे कनेक्शनों के लिए रखे गए विद्युत पोल सड़क के ऊपर पड़े होने की वजह से दुर्घटना होने की संभावनाएं 24 घंटे बनी रहती है। सड़क किनारे इस तरह के पोल रखे होने से धुंध में सड़क पर आगेरों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर्द मौसम में विजिबिलिटी कम रहती है जिसको लेकर वाहन चालकों में हमेशा दुर्घटना घटने का डर बना रहता है। उदयपुर युवा नेता अजय चुग ने जानकारी देते हुए बताया कि उदयपुर गांव को जाने वाली सड़क के ऊपर श्री सीमेंट के ट्रकों का आवागमन 24 घंटे रहता है। ये पोल जो उदयपुर गोदारण को जाने वाली सड़क किनारे के बिल्कुल ऊपर पड़े हैं, एक तरफ श्री सीमेंट की दीवार है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर विद्युत विभाग के कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं देते। विभाग के पोल से भरा ट्रक आता है तो इसके कर्मचारी उसके सड़क के उतार कर खाली करवा देते हैं। प्रशासन का आवागमन भी सड़क पर रहता है। जोधपुर में सीकम के जेमा में शुक्रवार को आर्मी की ट्रक में खाई में गिरने से 16 जवान शहीद हो गए। हादसे में राजस्थान के भी 3 जवानों की शहादत हुई जिनमें जोधपुर के सुखराम भी शामिल थे। शहीद सुखाराम का रविवार को उनके पैतृक गांव सामंत कुआ खुर्द में अंतिम संस्कार हुआ। जोधपुर से उनके पैतृक गांव तक सैनिक वाहन के साथ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वाहनों का रेला साथ चला, देशभक्ति नारे लगते रहे, पूरा इलाका शहीद अमर रहने के नारे से गूंज उठा। तिरंगा यात्रा बाबड़ी उपखंड के सामंत कुआ खुर्द पहुंची, सैन्य समाज के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया। शहीद के छोटे भाई महेंद्र का रो रोकर बुरा हाल था, उसने अपने लाडले बड़े भाई को मुखाग्नि दी तो बिलख पड़ा। जोधपुर में कोरोना को लेकर उत्तर पश्चिमी रेलवे का जोधपुर मंडल रेलवे अस्पताल अलर्ट मोड पर आ गया। कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में चिकित्सकों और कर्मचारियों को अलर्ट करने के साथ ही मास्क की अनिवार्यता लागू कर दी।
मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एडवाइजरी की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देशों के बाद शनिवार को रेलवे अस्पताल प्रबंधन हरकत में आ गया और कोविड प्रोटोकॉल की पालना सख्ती से करवाने के बंदोबस्त में जुट गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ए वासुदेवन ने शनिवार को चिकित्सकों की टीम के साथ अस्पताल में कोविड प्रोटोकॉल से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके तहत चिकित्सकों और अस्पताल कर्मचारियों के साथ साथ रोगियों और उनके परिजनों से मास्क लगाने की सलाह दी गई। जोधपुर में जगह जगह खुली चाय की थड़ियों का अब साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। देर रात तक ये चाय की थड़ियां खुली रहती है, उनके बाद यहाँ के मंचले शहर में माहौल खराब कर रहे हैं। ताजा मामला कल्पतरू शॉपिंग सेंटर का आया, जहां देर रात कुछ युवकों ने बदमाशी की और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह युवक आपस में उलझ रहा है और माहौल खराब कर रहा है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। रात को भी पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन अब तक ये बदमाश भाग चुके थे। सुबह पुलिस की टीम फिर से पहुंची और इन बदमाशों की तलाश में जुट चुकी है। आखिर यह कौन युवक है और क्यों लड़ रही है। जोधपुर में अखिल भारतीय रैगर महासभा के चुनाव भारत के अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं। इसी दिशा में जोधपुर स्वामी रामानंद स्वामी गोपाल दास शिक्षण संस्थान खेतानाड़ी में चुनाव आयोजित हुए। ये चुनाव खेतानाड़ी शिक्षण संस्थान जोधपुर में संपन्न हुआ। किशोरीलाल रैगर प्रोफेसर कला संकाय ने बताया कि स्वामी रामानंद स्वामी गोपाल राम शिक्षा संस्थान खेतानाड़ी में सुबह 8 बजे से 4 बजे तक चुनाव आयोजित किए। राजस्थान मेघवाल समाज बांसुर की ओर से रविवार को अंबेडकर भवन में पहला प्रतिभावन सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें समाज की प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह की मुख्य अतिथि उद्योग देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत रही। वहीं समाज की रीट आरएएस राजकीय सेवाओं में चयनित 10वीं और 12वीं के कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 300 प्रतिभागियों को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। उद्योग मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थी अपने जीवन में पढ़ाई कर ध्यान दें। वहीं उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो मेरे पास आए, उनको सभी सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन छात्र छात्राएं आत्महत्या ना करें। बाड़मेर के सिवाना में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में हॉकी खेल प्रतियोगिता में के एन कॉलेज से बी अंतिम वर्ष की छात्रा खुशबू राजपुरोहित पुत्री राम सिंह राजपुरोहित निवासी सिवाना का राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता में जोधपुर विश्वविद्यालय का नेतृत्व करेगी। जोधपुर का राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय में हॉकी कप्तान के रूप में चयन हुआ। कोच महेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जोधपुर राजपुरोहित 26 दिसंबर को जनार्दन यूनिवर्सिटी उदयपुर में आयोजन होने वाली राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता में जोधपुर विश्वविद्यालय का नेतृत्व करेगी। खुशबू राजपुरोहित के राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर इको निदेशक सुनील परिहार, प्रधान मुकुंद सिंह राजपुरोहित, पूर्व प्रधान गरिमा राजपुरोहित व युवा नेता ओम सिंह छाबरा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने शुभकामनाएं प्रेषित की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।